पार्टी का लाल, करना है हमें कुछ सवाल, मगर किससे? जो रखते हैं हम सबका ख्याल, तो चलो पूछ ही लेते हैं सवाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अभी सर, शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए सूरज, इस सवाल का जवाब जो है हर आदमी औरत को खुद देना होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिससे एक शिक्षित समाज बनता है, और वही शिक्षित समाज सभ्य समाज होता है। शिक्षा से जो अज्ञानता है, जो मिथ्याएं हैं, वो दूर होती हैं। शिक्षा से हुनर मिलता है, एक जीवन का एक पहलू है, जिसके पास ना हो वो अपने कई रोज़मर्रा की चीज़ों में बाधित होता है, इसलिए शिक्षा बहुत अनिवार्य है। सर, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं वो शिक्षित हो जाएं, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, झारखंड सरकार और रांची जिला प्रशासन, ऐसे कोई भी बच्चे हों जो, इसको हम लोग ड्रॉप आउट कहते हैं, मान ली किसी भी परिस्थिति में कुछ सामाजिक कारणों से या आर्थिक कारणों से स्कूल ना जा पाए, उन सभी बच्चों के लिए हम लोग ये करते हैं कि उनके, इसीलिए आपने देखा होगा कई बार आपके गांव में प्रभात फेरी निकलती है कि किसी बच्चा, कोई बच्चा छूटे ना, ये हर साल एक कैंपेन चला जाता है जिससे कि सभी बच्चों को डाला जा सके। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो आर्थिक परिस्थिति नहीं है, या वो अकेले माँ बाप का बेटा है, मतलब उसकी माँ है या फादर बाप है, तो उनके लिए हम लोगों ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय या ऐसे अन्य स्कूल चला रखे हैं जहाँ पे उनका रह करके पढ़ सकते हैं, जिससे कि उनको कोई असुविधा ना हो। सर, आप हमारे स्कूल में 2 अगस्त को आए थे, आपको बच्चों से मिलकर कैसा महसूस हुआ? देखिए, आपके स्कूल में गया था, वैसे ही मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर हफ्ते किसी स्कूल में जाऊँ, सरकारी स्कूल में, और जब भी जाता हूँ तो मुझे एक बहुत अच्छी उम्मीद जगती है कि जो देश है वो सही पथ पे है, क्योंकि आप जैसे, जैसे आप दोनों बच्चे हैं, वैसे ही और भी बच्चे हैं जो जागरूक हैं, जो चाहते हैं कि एक नए भारत का निर्माण हो। लड़कियां शिक्षित हो जाएं, उसके लिए सरकार इतनी जोर क्यों दे रही है? देखिए, आप शिक्षित हैं तो आप शिक्षा की अहमियत समझेंगी। एक शिक्षित समाज बनने के लिए कोई भी ऐसा ना हो जो छूट जाए। महिलाएं इस समाज का आधा और एक जरूरी अंग है। एक किसी भी घर में माँ से ही संस्कार पनपते हैं, और इसीलिए हर महिला को शिक्षित करना उतना ही जरूरी है जितना हर पुरुष को। सर, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, वो भी अपना इतना कीमती समय निकाल कर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुरभि। थैंक यू सूरज। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे ही करते रहिए। जय हिंद। तो अब क्या इरादा है? फिर मिलेंगे, ये वादा है। तो देखते रहिए हमारे साथ अधिकारों की बात, बाल पत्रकारों के साथ।